नक्सल प्रभावित गढ़वा जिला अपराध के मामले में भी अछूता नहीं है। आए दिन छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को यहाँ पर अपराधी अंजाम देते रहते हैं। पुलिस की ओर से अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन इसमें कोई कमी होती नहीं दिख रही है। अपराध की समूल खात्मा को लेकर पुलिस ने एक बार फिर पहल की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गढ़वा जिले के कांडी थाना परिसर में जुटी ये भीड़ इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि आखिर नक्सल और अपराध की दोहरी मार से गढ़वा वासियों को कैसे मुक्ति मिले। आपको बताएं कि एसपी श्रीकांत सुरेश राव द्वारा सभी थानों में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन कराने का आदेश दिया गया है, जहां एक तरफ इससे पुलिस और पब्लिक के आपसी रिश्तों में मजबूती और भरोसे का एहसास होगा, वहीं दूसरी तरफ अपराध उन्मूलन में भी ये कदम सहायक होगी। जो है कांडे में देखिए अनिगल शराब की बिक्री होता है, कहीं कहीं यहाँ पे जो नौजवान है 18 से 25 साल का उम्र का, वो कुछ नशे में भटक चुके हैं। उस पर हम लोग पब्लिक का पुलिस में जो मीटिंग हुआ उस पर हम लोग बात को रखे और थाना पर नए थाना पर बैठे, तो उम्मीद भी जगा कि बात को कंट्रोल होगा। यहाँ पे डाइन भूत का झूठा झूठा मुकदमा दर्ज होता है और अगले थाना पर बैठने बहुत ऐसा ऐसा मुकदमा दर्ज भी किए हैं जो कि एकदम मने सरासर गलत है। पुलिस पब्लिक मीट के जरिए आपसी विचारों का आदान प्रदान कर लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को लोगों की समस्या से रूबरू होने का मौका मिलेगा और इसके जरिए आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। पूर्व से अपराध और चोरी डकैती में संलग्न रहता है, इसलिए मैं नए थाना प्रभारी से आग्रह करूंगा और विश्वास करूंगा कि इससे कांडी को निजात मिलेगा और लोगों को सुख चैन से शांति से जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। इस बेहतरीन पहल के सूत्रधार जिले के एसपी कहते हैं कि व्यक्तिगत समस्याएं तो लोग पुलिस को बताते हैं, लेकिन सार्वजनिक परेशानियों की जानकारी नहीं हो पाती, जिसके कारण पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसका फायदा हो रहा है, जहां एक तरफ सामूहिक और बड़ी समस्याओं से लोग पुलिस को अवगत करा रहे हैं, तो उसके निराकरण में हमारे साथ सहभागी भी बन रहे हैं। समुदाय को या कम्युनिटी को जो है वो उसके इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज जनरली पुलिस के पास नहीं आते हैं। उस इश्यूज को पुलिस के पास पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा इस पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। पुलिस और पब्लिक मिलके उसका समाधान हेतु विचार मंथन करते हैं और फाइनली जो है उसको जो भी उसमें उपाय योजना बनती है उस पर अमल किया जाता है। इसका एक फ़ायदा यह है कि क्योंकि पब्लिक जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, तो वो जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सर्वमान्य होता है और पब्लिक उसको अमल करने में पुलिस का सहयोग करती है। अपराध प्रभावित गढ़वा जिले को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में कई पहल हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पुलिस पब्लिक मीट वाली पहल का कितना असर देखने को मिलता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट।